हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको यहाँ पे व्हाट्सएप में किसी ने लिंक भेजा है और जब आप लोग वहाँ पे उस लिंक को यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके फ़ोन में डायरेक्टली किसी भी ब्राउज़र में वो लिंक ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं आता है कि आप लोग यहाँ पे कौन से ब्राउज़र में इस लिंक को ओपन करना चाहते हैं, तो ऐसा ऑप्शन नहीं आता है। तो इस प्रॉब्लम को आप लोग यहाँ पे कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। प्रॉब्लम यही है कि लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे किसी भी ब्राउज़र में वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं पूछता है कि आप लोग यहाँ पे कौन से ब्राउज़र में उसको ओपन करना चाहते हैं। तो इसको जो है सेटिंग करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले अपने फ़ोन में सेटिंग को ओपन कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को ऊपर की ओर जाना है। फिर यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का ऑप्शन आता है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मैनेज एप्लीकेशन में आना है। अब यहाँ पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऊपर में थ्री डॉट दिखेगा, आप लोग यहाँ पे क्लिक करिए और उसके बाद यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट ऐप पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पे ब्राउज़र पे क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पे आप लोग जो भी एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे रहेंगे इस तरीके से, तो उसी एप्लीकेशन में दोस्तों आपका जो लिंक है वो ओपन होगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आप उसको डायरेक्टली क्रोम ब्राउज़र में जो है यहाँ पे ओपन करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे इस तरीके से क्रोम ब्राउज़र में सेलेक्ट कर लीजिए। बट अगर आप लोग यहाँ पे चाहते हैं कि जब आप लिंक पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आना चाहिए कि आप लोग यहाँ पे कौन से ब्राउज़र में ओपन करना चाहते हैं। तो ऐसा करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे में रिसेंट टू डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन आता है, आप लोग यहाँ पे क्लिक करिए और रिसेंट कर दीजिए। ऐसा करने के बाद जब आप लोग यहाँ पे ब्राउज़र वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा, यहाँ पे किसी में भी सेलेक्ट नहीं रहेगा। तो बस दोस्तों आपको इतना ही सेलेक्ट कर मतलब इतना ही सेटिंग करना है। तो उसके बाद जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पूछेगा कि आप लोग यहाँ पे कौन से ब्राउज़र में ओपन करना चाहते हैं। फिर आप लोगों को जो भी ब्राउज़र में आपको ओपन करना है उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।